स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड में। ऑन द रिकॉर्ड में आज हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पे उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी जिनको पूरा प्रदेश एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पे जानता है और अब वो राज्यसभा सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी से जो है उत्तराखंड से, और उनके अनुभव का, सांगठनिक अनुभव का, प्रशासनिक अनुभव का लाभ जो है प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। इनसे इनके व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पे विस्तार से बातचीत करेंगे और साथ साथ इनकी पार्टी और केंद्र और राज्य की, इनकी सरकारों के बारे में भी विस्तार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नरेश बंसल जी अपनी सरकारों को, उनके कार्यों को किस नज़रिए से देखते हैं। नरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड में। आपके सभी पहलुओं पे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज चर्चा करेंगे, अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराएंगे। तो वर्तमान परिस्थितियों से ही शुरू करते हैं, फिर आएंगे आपके व्यक्तिगत जीवन पे। आजकल देश में जो है ईडी और सीबीआई बहुत चर्चा में है। आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने सीबीआई को चुनौती दी थी कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो राजनीति का हथियार न बने। सिसोदिया जी का कहना है कि जो मोदी जी आज से कुछ साल पहले सीबीआई को राजनीतिक हथियार न बनने की चेतावनी देते थे और कहते थे कि गुजरात के मंत्रियों को जेल में डालने की साजिश कर रही है सीबीआई, आज वही मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो दिल्ली सरकार के लोगों को, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है सीबीआई के माध्यम से, और अपने जो अपोजिशन के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको ईडी के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी आपराधिक चरित्र का व्यक्ति अगर बीजेपी में जाता है तो बीजेपी आजकल गंगा से भी ज़्यादा शुद्ध है और उसमें धुल करके उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इन सारे आरोपों पे पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य के नाते, वरिष्ठ नेता के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विभिन्न विषयों पर जिस समय विभिन्न घटनाएं होती हैं देश के अंदर, तो यही सब नेता CBI, इनकम टैक्स और ED की जांच की मांग करते हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमारे प्रदेश में ही जो परीक्षा वाला घोटाला हुआ, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते हैं कि CBI से जांच कराई जाए। जब इनकी जांच CBI करती है तो ये कहते हैं कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से सरकारी एजेंसी का कहां पर एक भी मामला ऐसा बताओ जिसमें सरकारी एजेंसी ने स्टेप लिया हो और भ्रष्टाचार न मिला हो। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, चाहे बंगाल में हो, चाहे दूसरी स्टेट्स में हो। और जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, तो दिल्ली में इतने समय से 7-8 साल से हमने क्यों नहीं किया? हम तो सरकार में 7-8 साल से। जब भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच CBI, इनकम टैक्स, ED सब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से लिकर पॉलिसी में वहां पर 144 करोड़ रुपया शराब के उत्पादकों को लौटाया गया, वो भ्रष्टाचार हुआ, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टैक्स पेयर का पैसा है, लिक्वर पॉलिसी में जब फंसे तो पॉलिसी भी वापस ली गई, तो ये बताता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ। और अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो कोई जबरदस्ती तो भ्रष्ट बना नहीं देगा। जहां नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं वो मोदी जी ने तो ले जाकर रखे नहीं, या बीजेपी के किसी नेता ने तो रखे नहीं, वो भ्रष्टाचार का पैसा वहां मिला है, उसकी जांच होगी निश्चित रूप से। और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं उन्होंने कहा भी है, और हमारी डबल इंजन की सरकारों में भी यह है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार का एक एक पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, वो उनके तिजोरी में से निकाल करके देश के विकास में लगाया जाएगा। मोदी जी ये कर रहे हैं, आम आदमी इससे खुश है, आम आदमी को लग रहा है कि पहली बार किसी ने भ्रष्टाचारी नेताओं के नेताओं में नकेल डाली है, ये पहली बार आम आदमी समझ रहा है। और इसके कारण अभी आप देखेंगे, पहले हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 ही रुपये पहुंचते हैं। DBT के माध्यम से मोदी जी की सरकार जब से आई है 22 लाख करोड़ रुपया
लाभार्थियों के खाते में गया है, जिसमें 2,20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार की। गठबंधन की राजनीति को वास्तव में माना जाए तो शुरू करने वाली तो कोई और पार्टियां थी, लेकिन उसको उसके आयाम पे चरम पे पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश में बसपा से गठबंधन करना, बिहार में जेडीयू से गठबंधन करना, महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन करना, और एक और बड़ा उदाहरण जो राजनीति में त्याग का उदाहरण कहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है विधानसभा में, लेकिन छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री होता था। आपने वहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना और उसके साथ मिल करके आपने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था, उत्तर प्रदेश में आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपको मिला क्या? हर बार जो है आपको धोखा मिला, और जो छोटी पार्टियां जिन्हें आप मुख्यमंत्री पद दे देते थे वो छोड़ करके चली जाती थी, बाद में कोई और गठबंधन बनाती थी या चुनाव में जाती थी। तो क्या लगता है बीजेपी को उससे कोई सबक मिला और आगे भी इस तरह का प्रयोग? हाँ, जम्मू कश्मीर में भी आपने ऐसा प्रयोग किया महबूबा मुफ्ती के साथ, जो वैचारिक रूप से आपसे बिल्कुल नज़दीक नहीं थे, आपसे बिल्कुल विपरीत थे, उसके बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो अनुभव मिला है कुछ राज्यों का, मैंने जो उदाहरण दिया, तो क्या लगता है बीजेपी आगे भी इस तरह के गठबंधनों को करेगी या फिर बीजेपी कुछ परिवर्तन लाएगी? देखो, बीजेपी हमेशा एक चीज सामने रखकर राजनीति करती है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। बाकी राजनीतिक दलों का बिल्कुल उल्टा है, सेल्फ फर्स्ट वो और उनका परिवार, फिर उनकी पार्टी, फिर राष्ट्र। ये एक बेसिक मूलभूत अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस दृष्टिकोण से जब जब भी समझौते किए वो राष्ट्रहित में किए, और कोई औरों ने गठबंधन की राजनीति शुरू की, ऐसा नहीं है। आप 1967 देखें, 67 में अनेक संबित सरकारों में भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए, आम आदमी के हित के लिए हमेशा कहा कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर हम सब एक होकर के सरकार चला सकते हैं जनता के हित में। और हमने कभी मतभेद रखे, मनभेद नहीं रखा। हमने उस सरकार का भी समर्थन दिया जिसमें एक और हम समर्थन दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की, एक और कम्युनिस्ट थे, तो हमने इसको कभी नहीं माना। हमने हमेशा सबको साथ लेकर चले। जहां तक त्याग की बात है, तो हमने तो 77 में जब जनता दल की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा MP हमारे थे, लेकिन सबसे कम मिनिस्टर हमारे थे। हमने त्याग किया, डंडा छोड़ा, झंडा छोड़ा, पार्टी का सब कुछ छोड़ा, क्योंकि देश के हित में आवश्यक था। उसके बाद नहीं लोग चल पाए तो हमने अलग से भी 1980 में BJP बनाई और जीरो से शुरू किया, लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा हमारे कार्यकर्ता और नेता करते हैं, उसके कारण से हमने फिर बड़ी जल्दी अपना मुकाम प्राप्त किया। और फिर से अटल जी ने तो 22-23 दलों की सरकार चलाई और अच्छी सरकार चलाई, उदाहरण है। एक नया परिवर्तन या चेंज कह सकते हैं बीजेपी की कार्यशैली में, वो दिखाई देता है कि पहले गठबंधन की सरकारों से जब धोखा मिलता था तो बीजेपी मैदान में जाती थी और लड़ करके क्लियर मैंडेट लेके आती थी। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, और अब बिहार में आपके साथ धोखा हुआ है। अभी ताज़ा आपने, उनके बहुत कम विधायक थे आपसे, फिर भी आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार जी को, और अब वो एक बार फिर से RJD के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बीजेपी में जो चेंज आया वो ये आया कि जिस तरह से शिवसेना ने उनका साथ छोड़ा महाराष्ट्र में, और आज शिवसेना कहीं की नहीं रह गई, पूरी की पूरी पार्टी टूट गई, और आज बीजेपी के साथ सत्ता में है, सत्ता की बीजेपी उसमें सहयोगी है। और एक बार फिर से आपने वो त्याग और बलिदान, या जो कहते हैं रणनीति भी कह सकते हैं, कि आपने उस छोटी पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी अब इतनी परिपक्व हो गई है कि किसी के साथ सत्ता में सहयोगी होगी, और अगर वो साथ छोड़ेगा तो सत्ता में वापस नहीं आएगा? ये तो जनता निर्णय करती है, जनता ने निर्णय किया। आपने देखा कि किस प्रकार से, जहां तक आपने बताया, हम नीतीश कुमार जी को चेहरा बना करके चुनाव लड़े, उनके कम आए मेंबर, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और आखिरी दिन तक हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो साथ छोड़ के, वो जिस जंगल राज का विरोध करके हमारे साथ आए थे, उसी जंगल राज में जाकर फिर से बन गए। अब उनका अपना कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जनता निर्णय करेगी। जनता ने पहले भी निर्णय किया है, अब उसमें भी आपने देखा, महाराष्ट्र में कोई समझौता उस तरह का नहीं था कि छोटी पार्टी को बनाएंगे, उसमें हमारा हक बनता था, नहीं किया, वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में उधर चले गए। लेकिन हुआ क्या, उन्हीं के लोग उनसे नाराज हो गए। अपवित्र गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, उन्हीं के लोग नाराज हो गए, क्योंकि नीतिगत नहीं था, स्वार्थ की राजनीति का था। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की राजनीति करती है, और देश के हित में
अपना सब कुछ त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परिश्रम की प्रकाष्ठा के कारण से आम जनता के मन में उनके प्रति एक अच्छा भाव बनता है, वो उस नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 ये जनता की सेवा में लगा रहता है। इसका परिणाम निकलता है कि पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। बंसल जी, बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, पार्टी विद डिफरेंट का नारा बहुत पहले से चलता है, और यहाँ पे माना जाता है कि कोई फैसला अगर नेतृत्व ने ले लिया तो उसमें किसी के मतभेद मनभेद बहुत मायने नहीं रखते, और जो संगठन में है अगर उस संगठन के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका राजनीतिक करियर भी समाप्त हो जाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप स्वर्गीय मदन लाल खुराना की बात कर लें, कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आडवाणी जी की बात कर लें, किसी समय जब वो पाकिस्तान जिन्ना प्रकरण हुआ तो किस तरह से उन्हें हटना पड़ा। लेकिन आज जब बीजेपी पहले की तुलना में बहुत मजबूत है, और उसमें जब वरुण गांधी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसमें जब नितिन गडकरी सरकार में रहते हुए कभी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बढ़ रही है, और जो कैडर या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांगनेस होती, मजबूती होती, सांगठनिक मजबूती, अनुशासन जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन है, या हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा परिवर्तन है और हो नहीं ये रहा है? इसलिए लग रहा है कि आपने उन दलों को देखा है जिनमें 20-20 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदलता है, बदलेगा तो परिवार का ही आएगा। जितने राजनीतिक दल में उनमें वो या उनके परिवार के लोग ही करते हैं। हमारे यहाँ कौन अध्यक्ष बन जाएगा ये पता नहीं, तो इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या होगी? एक सामान्य कार्यकर्ता जिसको 6 महीने पहले तक कोई ये जानता नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, तो ये डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी है कि हमारे यहाँ एक सिद्धांत काम करता है, डिस्कस मर्सीलेसली डिसाइड यूनानिमसली। तो ये जो हमारा सिद्धांत है इसके कारण लोगों को लगता है, क्योंकि हम चाहे जब डिस्कशन करते हैं, चाहे जितनी बात जिसके मन की हो वो कहता है, उसको मतभेद नहीं मानते, लेकिन जब निर्णय होता है तो वो सामूहिक निर्णय होता है और यूनानिमस होता है, एक मत से होता है। तो इसलिए फिर कोई ये नहीं कहता मैंने तो ये कहा था, सब उस निर्णय को मानते हैं। अगर बीजेपी परिवारवाद के भी बहुत खिलाफ रही शुरू से ही, बीजेपी के स्थापना काल से देखे, चाहे जनसंघ के जमाने में देखे, फिर या 1980 में जब बीजेपी का गठन होता है, जन्म होता है, तब से देखे, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा पार्टी के लिए रहा है। अपोजिशन की पार्टियों पर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती, जैसे कभी आपने कहा कि उन पार्टियों में सालों तक जो है अध्यक्ष ही नहीं बदलते। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखे जो विपक्ष के लोग कहते हैं हम लोगों से, यानी मीडिया से, तो बीजेपी में भी परिवारवाद दिखाई देता है। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, बेटा सांसद है, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा भी राजनीति में है, राजनाथ सिंह केंद्रीय सत्ता में भी है, केंद्रीय राजनीति में है, उनका बेटा भी राजनीति में है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बीजेपी में भी परिवारवाद होने का स्पष्ट एक तरह से प्रमाण कहे जाते हैं। तो और अभी प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उनमें एक प्रमुख मुद्दा था कि परिवारवाद को समाप्त करना है। तो क्या लगता है ये जो परिवारवाद, बीजेपी का जो परिवारवाद है, या किस तरह का परिवारवाद है, क्या आप जो जब आपके शीर्ष नेतृत्व या आपके नेतागण कहते हैं कि परिवारवाद, तो ये उनको इसका ध्यान नहीं आता कि हमारे पार्टी में भी परिवारवाद है? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, परिवारवाद जब हम कहते हैं तो पार्टी परिवार की जीभ में है, परिवार के उसमें है, परिवार निर्णय करेगा वही पार्टी चलेगी। हमारे यहाँ जितने आपने नेता गिनाए उनके पुत्र किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक होंगे, एमपी होंगे, इससे अधिक नहीं है, मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के निर्णय वो नहीं करते, पार्टी उनके उसमें नहीं है, पार्टी किसी परिवार के पास नहीं रखी हुई है, पार्टी पार्टी की तरह चलती है, पार्टी अपने निर्णय स्वतंत्र लेती है। लेकिन कोई मंत्री का बेटा है तो उसको राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं है, ये हम नहीं कहते, वो भाग ले सकता है लेकिन मंत्री के कारण वो कुछ नहीं पाता है, अपनी योग्यता क्षमता से पाता है, और पार्टी उसके पास नहीं रखी जाती। एक भी उदाहरण ऐसा बताओ कहीं पर भी जहाँ आपने केवल उनके मंत्री का या किसी का पुत्र राजनीति में आ गया और वो MLA MP कुछ मंत्री बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने परिवारवाद का पोषण किया है। परिवारवाद का पोषण हुआ है कि पार्टी रसातल में चली जाए पर परिवार से बाहर नहीं जाएगी। आज कांग्रेस में क्या हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी में क्या है? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उनके परिवार के 35 लोगों के पास लाल बत्ती थी। हमारे एक कभी बताओ ऐसा उदाहरण,
इक्का दिक्का उदाहरण कोई उस तरह का है कि जो अपनी योग्यता क्षमता के आधार किसी के चार बेटे हैं एक राजनीति में आ गया तो उसमें कोई परिवारवाद हो गया क्या? चलिए उत्तराखंड पे आते हैं। उत्तराखंड में आपकी सरकार है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछला 6 महीने का कार्यकाल था और अभी 6 महीने से ज़्यादा का हो गया, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार दोबारा से प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। उत्तराखंड के सियासी इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ। तो पुष्कर धामी कैसा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इनके नेतृत्व में जब आप 2024 में उतरेंगे मैदान फतह करने के लिए तो कैसा परिणाम आएगा? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जब मैं महामंत्री संगठन था तो वो युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने। उनकी जो कार्य करने की शैली है, सरलता, सहजता और परिश्रम की प्रकाष्ठा, अब भी मैं उनको देखता हूँ तो 18 घंटे रोज काम करते हैं। 12-1 बजे से पहले सोते नहीं और सवेरे 5-6 बजे उठ जाते हैं और कोई भी एक एक चीज़ की जानकारी अपने पास रखते हैं। अभी कल ही हुआ कुमाल्टा में आपदा आई तो पहले पहुँचने वाले लोगों में से वो थे। वो इंतज़ार नहीं करते किसी चीज़ का और दृढ़ संकल्प के धनी है। जो निर्णय करेंगे पारदर्शी निर्णय करेंगे, उसका पालन करेंगे। आपने देखा होगा इस प्रकार की उनकी छवि के कारण ही हम फिर से सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से सत्ता में आए और आगे सत्ता को वो बहुत अच्छे ढंग से जीरो टॉलरेंस से चला रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड चला रहे हैं और सब चीज़ों के योजनाओं को समय पर हो उसके परिणाम आएंगे आप देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने जितना उनको देखा है निकट से, वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। उनके आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा नहीं है जो स्वार्थ पूर्ति के लिए रहते हैं। पार्टी जो है बीजेपी परिवारवाद के तो खिलाफ है, लेकिन पार्टी में पारिवारिक माहौल हो, पारिवारिक रिश्तों की तरह एक दूसरे के साथ रिश्ते हों, इस बात की कोशिश करती है। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल, उनके नेतृत्व में बहुत सारे काम, यानी 4.5 साल जो काम हुए वो त्रिवेंद्र के नेतृत्व में हुए। जब आप चुनाव में गए तो जो लंबी चौड़ी सूची थी विकास कार्यों की, उसमें 90% या 95% त्रिवेंद्र रावत के समय के थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। आज तक वो कहते हैं कि मुझे ये बताया नहीं गया कि मुझे हटाया क्यों गया। हम लोगों ने पूछा कि क्यों हटाया गया, बोले आपको इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और आला कमान से बात करनी पड़ेगी कि मुझे क्यों हटाया। स्पष्ट कहा कि हमें नहीं पता हमें क्यों हटाया। अब वो न तो मुख्यमंत्री हैं न तो पार्टी के किसी पद पे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। आप देखिए येदियुरप्पा को भी हटाया वहाँ से तो कुछ बनाया, गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया तो बनाया, असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल, सर्वानंद सोनोवाल को हटाया तो कुछ बनाया। त्रिवेंद्र रावत एक ऐसा उदाहरण है जिनको 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद सीधे उनको घर बिठा दिया गया और उनकी पीड़ा बहुत बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई देती है। हम लोग जब व्यक्तिगत बातचीत करते तब भी दिखाई देती है और अभी एक ताज़ा मामला आया, किसी मीडिया हाउस ने दिखाया कि वो 20 विधायकों को लेकर के विरोध करके कांग्रेस में जा रहे सरकार बनाने, उन्होंने उसका खंडन भी किया और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है, एक नेता है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो क्या लगता नहीं कि उनके साथ कुछ अन्याय हो गया? उनको भी कोई इतना महत्वपूर्ण नेता जो मुख्यमंत्री रहा पार्टी का 4.5 साल, कोई जिम्मेदारी उनको दी जानी चाहिए। देखिए, पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का संसदीय बोर्ड, पार्टी का उच्च नेतृत्व निर्णय करता है। जब उनको बनाया गया था तब भी किसी को नहीं पता था, बनाया गया, निर्णय किया, निर्णय पार्टी को लगा ठीक उस समय पर, उनको हटाया गया। लेकिन वो पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये मैं कह सकता हूँ। संगठन का उनका बड़ा अनुभव है ये कहा जा सकता है और पार्टी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, ये बात ठीक है कि अभी अपने को लगता होगा निकट भविष्य में पार्टी विचार करती है जहाँ जिसकी उपयोगिता होती है। हमारी पार्टी में ही ये होता है कि काम के लिए व्यक्ति और व्यक्ति के लिए काम, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। बंसल जी, थोड़ा सा अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस तरह से बीजेपी के संगठन में एक छोटे से कार्यकर्ता से होते होते आप बिल्कुल शीर्ष जो है नेता बन गए, राज्यसभा के सांसद भी बन गए, तमाम सरकारों में आपके पास बहुत सारे दायित्व रहे, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण संगठन मंत्री जैसा दायित्व रहा, तो इसकी जो आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक यात्रा है, एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक यात्रा जो है, वो कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष रहा? देखिए, मैं प्रारंभ से बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा, शाखा के अनेक दायित्व, घटनायक से लेकर के और कार्यवाह तक, संपर्क प्रमुख तक, प्रचार प्रमुख, सब प्रकार के दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। संघ के दैनिक स्वयंसेवक रहते हुए, नियमित स्वयंसेवक रहते हुए मैंने विभिन्न संगठनों में समय समय पर जो मुझे जिम्मेवारी मिली
उसका निर्वहन किया, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय मजदूर संघ हो, हिंदू जागरण मंच हो, और स्वदेशी का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि का शिला पूजन का काम हो। और जब 91 में भूकंप आया तो उस समय भी मैं जिला संपर्क प्रमुख था, मुझे विशेष रूप से वहाँ के कहना चाहिए जो डॉक्टर नित्यानंद जी के नेतृत्व में हमने भटवाड़ी ब्लॉक अडॉप्ट किया जिसके 55 गांव थे, उसमें पुनर्वास का जो काम है वो काम उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता बनी जिसका मैं संस्थापक महामंत्री रहा 20 वर्षों तक, उसके माध्यम से वहाँ जो सेवा के काम हो सकते थे वो किए, बैंक से छुट्टी लेकर के किए। तो इस प्रकार सामाजिक कामों को करते हुए और राजनीतिक कामों में भी अपनी सहभागिता समय पर करते हुए मैं आगे आया। और 2001 में मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, उसी समय बैंक में VRS की पॉलिसी आई, मैंने बैंक से VRS लिया और मैं राजनीति के क्षेत्र में आया। राजनीति के क्षेत्र में मैं आया तो मैंने सबसे पहले सहकारिता प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का महामंत्री बना, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। मेरी भी इच्छा थी, मेरे मित्रों की भी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं 2002 में, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तो काम करते करते मुझे मालूम नहीं था, मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको संगठन की जिम्मेदारी दी जा रही है, आप प्रदेश महामंत्री संगठन हो गए। मैंने 7 वर्ष तक उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया 2002 से 2009 तक। 2009 में हमारी सरकार तो 2007 में ही आ गई थी जब मैं संगठन मंत्री था, लेकिन तब भी मैं 2 साल संगठन मंत्री ही रहा। लेकिन 2009 में जब खंडूरी जी को बदलकर निशंक जी मुख्यमंत्री आए तो सबकी राय बनी कि मुझे सरकार का अनुभव लेना चाहिए, सरकार में जाना चाहिए। और सरकार में मुझे आवास विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, तो आवास विकास परिषद को खड़ा करने के लिए जो भी मेरा सहयोग हो सकता था मैंने उसमें योगदान दिया। 2012 तक मैं वो रहा। 2012 में जो प्रदेश के चुनाव हुए उत्तराखंड प्रदेश के, उसमें चुनाव अभियान समिति के श्री भगत सिंह कोश्यारी अध्यक्ष बने, मुझे उसका महामंत्री बनाया गया। लेकिन एक सीट से, हम सब जानते हैं खंडूरी जी भी हार गए, एक सीट से हमारी सरकार नहीं आई, बाय डिफॉल्ट कहूँगा मैं कि कांग्रेस की सरकार रही, नहीं तो आज 4 टर्म से BJP की सरकार होती। खैर 2012 में मुझसे पार्टी ने राज्यसभा का नामांकन भी कराया, लेकिन फिर कुछ समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने नाम वापस लिया। और 2012 से 2019 तक मैं प्रदेश का महामंत्री रहा, यानी 2019 तक जितने प्रदेश के अध्यक्ष बने 2001 से लेकर के, सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उच्च नेतृत्व ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, और उस समय आप जानते हैं बड़े बहुमत से 2019 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से और हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में वो विजय मिली है, कोई मेरे कार्यकारी अध्यक्ष बनने से नहीं मिली। लेकिन मैंने अपनी भूमिका का, जो भूमिका थी उसका निर्वहन किया। और 2019 में जब हमारी 2017 में यहाँ आ गई थी, 2019 में मुझे लोकसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मुझे इसकी जिम्मेवारी मिली 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की। उस समय उसका मैंने निर्वहन किया, कैबिनेट रैंक मिला, और राज्यसभा सदस्य नामित होने तक 26 अक्टूबर 2020 तक मैं उसका उपाध्यक्ष रहा, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट रैंक रहा। और तब से मैंने राज्यसभा के लिए मुझे पार्टी ने चुना, मैंने उनका हार्दिक धन्यवाद किया पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, और मैं निर्विरोध चुन करके राज्यसभा में गया। लेकिन इस सारे उसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरे परिवार का बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैंने VRS लिया तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, मेरी कोई ऐसी क्षमता नहीं थी कि मैं कोई नौकर आदि रख सकूं। संगठन के काम के नाते परिवार में मेरे बहुत लोगों का आना जाना था, मेरी पत्नी ने विशेष रूप से बहुत सहयोग किया कि नौकर न होने के बाद भी 100 लोग आए, 50 लोग आए, सबके लिए चाय की व्यवस्था करना, सब कुछ करना उसने हंसते हंसते किया और योगदान दिया। मैं समझता हूँ उनके इस त्याग का परिणाम ये मिला कि आज मैं राज्यसभा में सांसद हूँ। आप हमारे शो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे विशेष प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड में आज हमारे साथ थे उत्तराखंड से BJP के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से सरकार, संगठन,
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ, केंद्र की और राज्य की सरकारों की कार्यशैली, भविष्य की चुनावी तैयारियों को लेकर के उनकी तैयारियाँ, इन सब मुद्दों पे बहुत विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह से जो मोदी सरकार है वो किस तरह से देश के विकास के लिए काम कर रही है और उस पर जो सरकारी जांच एजेंसियाँ उनको लेकर के जो सवालात विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं उसका भी उन्होंने एक तार्किक जवाब देने की कोशिश की। अगले सप्ताह मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा विशेष प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड।